हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जो वुमेन्स के मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको बता दूं, श्रीलंका में ये मैचेस होंगे, इंडिया वुमेन्स वर्सेस श्रीलंका वुमेन्स के बीच में मैच हैं। और यहाँ पर 3 ओडीआई मैच यहाँ पर होने हैं और उसके बाद यहाँ पर 5 होने हैं T20 मैचेस। तो सारे ही मैचेस हम कवर करेंगे, टोटल 8 मैचेस हैं मिला के। तो यहाँ पर पहले तो 3 ओडीआई मैचेस कवर करेंगे, उसके बाद जो 5 T20 मैच होने वाले हैं उसका स्क्वाड थोड़ा सा अलग रहेगा, तो उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मैच कल होने वाला है और ये गले में होने वाला है श्रीलंका में। तो उस पिच के बारे में भी आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर वो पिच जो है वो 200 के आसपास का एवरेज स्कोर देखने को वहाँ पर मिलता है। तो कोई बहुत अच्छी बैटिंग पिच नहीं है, बहुत अच्छी बॉलिंग पिच नहीं, एक न्यूट्रल पिच आप इसको बोल सकते हैं। और अगर इंडिया पहले बैटिंग करती तो 250 के आसपास तक का स्कोर भी आपको देखने को मिल सकता है, और श्रीलंका पहले बैटिंग करती है तो शायद 100 के आसपास भी यहाँ पर आपको स्कोर देखने को मिले। तो डिपेंड करता है बैटिंग कौन पहले करता है। तो आपको बता दूं, श्रीलंका उतनी कोई स्ट्रांग टीम नहीं है, कुछ 4-5 लोग अगर आप हटा दें तो टीम में कोई दम नहीं है। और इंडियन वुमेन्स की बात करें तो यहाँ पर पूरा स्क्वाड ही बहुत दमदार है और उसमें से 11 बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, पहला मैच है। तो यही बोलूंगा, थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करिएगा, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि 80-90% आपको सटीक प्लेइंग 11 देने की कोशिश करूं और जहां पर चेंजेस हो सकते हैं वो भी आपको बता दूं। तो गाइस शुरू करते हैं हमारे वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे दोनों टीमों के स्क्वाड की, उसके बाद बात करेंगे प्लेइंग 11 की। तो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों टीमों के स्क्वाड की। सबसे पहले इंडियन टीम का स्क्वाड देख लेते हैं। तो जो ऑफिशियल साइट पर आया हुआ है वो स्क्वाड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीसीसीआई वुमेन्स के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर ये स्क्वाड दिखाया जा रहा है। आप अगर ट्विटर पर हैं तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, अगर आप टेलीग्राम के हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो वहाँ पर ये स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मिथाली राज यहाँ पर कैप्टेंसी करेंगी इस ओडीआई में, और यहाँ पर हरमनप्रीत कौर हैं वाइस कैप्टन, फिर स्मृति मंदाना है, पूनम राउत है, दीप्ति शर्मा स्क्वाड में है, डी हिमलता है, जमीमा रोड्रिगस है, वेरा कृष्णमूर्ति, तानिया भाटिया विकेट कीपिंग करेंगी, एकता बिष्ट, पूनम यादव, राजेश्वरी गायकवाड़, झूलन गोस्वामी, मानसी जोशी जो कि बहुत टाइम बाद यहां पर आई हैं ओडीआई स्क्वाड में, और शिखा पांडे। तो यहां पर आपको इंटरेस्टिंग चीजें बता दूं, जैसे कि झूलन गोस्वामी है तो बहुत से लोग शायद इनको ले नहीं रहे हैं, तो आपको बता दूं ये स्क्वाड में शामिल तो की गई है ओडीआई के, और इन्होंने T20 से रिटायरमेंट लिया है, यानी कि T20 मैच नहीं खेलेंगी, बाकी ओडीआई मैचेस खेल सकती हैं। तो स्क्वाड में तो शामिल है, तो देखना होगा क्या प्लेइंग 11 को जगह मिलती है कि नहीं मिलती है। टोटल 15 मेंबर्स का स्क्वाड है, तो कोई 4 प्लेयर में से नहीं खेलेंगे, तो जो नए प्लेयर हैं मेरे हिसाब से शायद उनको ज्यादा मौका ना मिले। तो हम कोशिश करेंगे एक प्रोबेबल आइडिया लगाने की कि कौन से प्लेयर यहां पर खेल सकते हैं। जनरली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो तो खेलेंगे ही, तो उन्हीं को लेकर हम पहले मैच में टीमें बनाएंगे और ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो देख लेते हैं क्या यहां पर प्लेइंग 11 हो सकती है इंडियन टीम की। तो इंडियन टीम की जो प्लेइंग 11 हो सकती है, यहां पर पूनम राउत ओपनिंग करती है, आपको स्मृति मंदाना के साथ देखेंगी, हालांकि इनके पास ऑप्शन में जमीमा रोड्रिगस भी है, बट मेरे हिसाब से शायद पहले मैच में इनको मौका ना मिले और शायद दूसरे या तीसरे मैच में इनको एक आध मौका मिल जाए। बाकी मेरे हिसाब से इस मैच में तो पूनम राउत ही ओपन करेंगी स्मृति मंदाना के साथ, स्मृति मंदाना कन्फर्म है, और मेन प्लेयर है स्मृति मंदाना और मिथाली राज जो बैटिंग में मैक्सिमम रन टीम के लिए लगाती है। स्मृति मंदाना, फिर मिथाली राज है, फिर हरमनप्रीत कौर है, फिर यहाँ पर जो कि वाइस कैप्टन भी है टीम की, फिर दीप्ति शर्मा है, फिर वीरा कृष्ण मूर्ति है, उसके बाद शिखा पांडे की जगह टीम चाहे तो राजेश्वरी गायकवाड़ को ला सकती है, बिकॉज बैटिंग में बहुत ज्यादा दम है और यहाँ पर बॉलिंग को भी स्ट्रॉन्ग टीम कर सकती है। बाकी शिखा पांडे भी बॉलिंग कर लेती है तो टीम चाहे तो उनको भी मौका दे सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा डाउट जा रहा है मुझे कि शिखा पांडे या फिर राजेश्वरी गायकवाड़ से किसको खिलाया जाएगा, ज्यादा चांसेस शिखा पांडे के हैं। उसके बाद यहाँ पर तानिया भाटिया विकेट कीपिंग करेंगी, फिर पूनम यादव है, एकता बिष्ट और झूलन गोस्वामी है। तो मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए इंडियन टीम की। यहाँ पर बस चेंज हो सकता है, पूनम राउत की जगह पर जमीमा रोड्रिगस को ला सकते हैं, बट मेरे हिसाब से पहले मैच में शायद मौका नहीं मिलेगा, और शिखा पांडे की जगह पर राजेश्वरी गायकवाड़ को ला सकते हैं, बट मेरे हिसाब से पहले मैच में जो आपको पहले प्लेयर देखने वही खेलेंगे, यानी कि शिखा पांडे और पूनम राउत ही खेलेंगे और बाकी जितने प्लेयर मैंने बताए हैं वो सारे खेलेंगे। तो गाइज यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो मैं आपको बता दूं, तो इनको आपको किसी भी टीम में मिस नहीं करना, चाहे आप ग्रैंड लीग खेल लो चाहे आप स्मॉल लीग खेल लो। तो उसमें यहाँ पर स्मृति मंदाना का नाम आता है, मिथाली राज का नाम आता है, उसके बाद यहाँ पर हरमनप्रीत कौर को भी आप ले सकते हैं, बट आपको बता दूं हर मैच में ये बॉलिंग नहीं कराती है, हालांकि बहुत अच्छी ऑलराउंडर बैटिंग ऑलराउंडर है और बॉलिंग भी करती है, बट हर मैच में नहीं करती है, इसलिए उतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए शायद ना रहेंगी, बिकॉज यहाँ पर क्रेडिट भी बहुत ज्यादा है ड्रीम इलेवन में, आप सारे प्लेयर्स को नहीं ले पाएंगे। आप चाहें अगर स्मृति मंदाना, मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर तीनों को लेना तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो आपको किसी ना किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। मंदाना को तो आप बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ही अच्छे फॉर्म में और हर मैच में 50-60 रन या 30-40 रन के आसपास तो लगाती हैं। बाकी मिथाली राज कभी कभी फेल हो रही हैं, कभी कभी हरमनप्रीत कौर फेल हो रही हैं, बट स्मृति मंदाना बहुत कंसिस्टेंट है। यहाँ पर दीप्ति शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे 8 से 10 ओवर तक कराएंगे, इसके अलावा बैटिंग में भी टॉप ऑर्डर में करती है बैटिंग, यानी कभी सेकंड डाउन आती है कभी थर्ड डाउन आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन टीम के लिए रहेंगी। वेदा कृष्णमूर्ति की बात करें तो शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, इनकी जगह पर चाहे तो हिमलता को भी खिला सकते हैं, और या फिर गायकवाड़ को अगर लाना चाहें तो यहाँ पर इनको बिठा के यहाँ पर गायकवाड़ और शिखा पांडे दोनों खिलाया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बाकी तानिया भाटिया विकेट कीपिंग बहुत नीचे आएंगे,
हालांकि कन्फर्म प्लेयर है इसलिए हम इनको लेने की कोशिश करेंगे। बाकी पूनम यादव सबसे इंपॉर्टेंट है बॉलिंग में, उसके बाद यहाँ पर एकता बिष्ट और झूलन गोस्वामी होंगी। तो पूनम यादव को तो बिल्कुल मत छोड़ना किसी भी टीम में, चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो चाहे ग्रैंड लीग खेल रहे हो। तो बात करते हैं यहाँ पर श्रीलंकन वुमेन्स की, तो इनका जो स्क्वाड घोषित हुआ है वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर चमारी अट्टापट्टू कैप्टनसी करेंगी, प्रसिद्धिनी वीरा कोहली है, अनुष्का है, फिर उसके बाद यहाँ पर निपुणी हंसिका है, हसीनी परेरा है, दिलानी मंदोदरा है, इसके बाद यहाँ पर शशिकला श्रीवर्धन है, नीलाक्षी डी सिल्वा, इमालका मेंडिस है, सिरेपल्ले वेरागोडी है, सुगंधिका कुमारी है, नको रनावीरा है, उदयजिका प्रभुदानी है, अमा कंचना और दिहारी है। तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो यहाँ पर है, जो मैंने प्लेइंग इलेवन बनाई है उसमें बता देना हूँ, अगर टीम यहाँ पर 100 या 200 के आसपास पहुंचती है तो उसमें कौन से प्लेयर का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कौन से प्लेयर वो होंगे जो 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ पर चमारी अट्टापट्टू आती है और इसके बाद यहाँ पर आती है शशिकला श्रीवर्धन। दोनों ही प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटिंग में भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है, इसके अलावा बॉलिंग में भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है। आपको पूरे 9 से 10 ओवर तक फेंकती है ओडाई क्रिकेट में, यानी कि चमारी अट्टापट्टू और शशिकला श्रीवर्धन दोनों को दोनों यहाँ पर 10 ओवर तक कराती है और हर मैच में कम से कम 1 से 2 या 3 विकेट तक निकालती है और मीडियम ओवर्स भी कुछ कराती है। हालांकि इंडिया के सामने थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट मेरे हिसाब से 1-2 विकेट तो आराम से निकाल सकती है और बैटिंग में तो अच्छा करती है, तो आपके लिए मस्ट पिक होंगे ये दोनों प्लेयर्स। बाकी यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ नीलाक्षी डी सिल्वा भी अच्छी प्लेयर है और इसके बाद निपुणी हंसिका और यहाँ पर हसीनी परेरा, तो ये दोनों ओपन करेंगे टीम के लिए। उसके बाद फर्स्ट डाउन यहाँ पर चमारी अट्टापट्टू आएंगी, फिर नीलाक्षी डी सिल्वा आएंगी, फिर शशिकला श्रीवर्धन है, उसके बाद यहाँ पर दिलानी मंडोदरा विकेट कीपर है और यहाँ पर प्रसिद्धिनी वीरा कोहली दोनों के दोनों विकेट कीपर है। दोनों में से किसको मौका मिलेगा टीम में वो मैं आपको कन्फर्म तो नहीं बोल सकता, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं करा, जो इन्होंने स्क्वाड घोषित करा उसमें यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कौन विकेट कीपिंग करेगा। जैसे कि इंडियन टीम लिख देती है तो आप देख सकते हैं इंडियन टीम में दिया हुआ है, यहाँ पर विकेट कीपिंग करेंगी तानिया भाटिया, बाकी इनकी टीम में नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। बाकी दिलानी मंदोदरा थोड़ी सी यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर है, 35 ईयर्स इनकी एज है और बहुत सारे मैचेस अभी तक इन्होंने खेले हुए, तो मेरे हिसाब से इंडिया के सामने शायद इन्हीं को पहला मौका दिया जाए और बाकी देने को तो यहाँ पर प्रसिद्धिनी वीरा कोहली को भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर तानिया भाटिया पर थोड़ी सी प्रेफरेंस जताई है। हालांकि उनको सिर्फ विकेट कीपिंग के पॉइंट मिल सकते हैं बिकॉज बैटिंग में बहुत ज्यादा नीचे आती है, बहुत मुश्किल उनकी बैटिंग आना, बट एक कन्फर्म प्लेयर आपके लिए रहेंगी। तो यहाँ पर फिर अनुष्का संजीवनी आएंगी, फिर यहाँ पर श्रीपल्ली वीरा कोहली हैं, सुगंधिका कुमारी हैं, इनोका रणवीरा जो कि इनकी मेन बॉलर हैं, श्रीपल्ली वीरा कोहली और इनोका रणवीरा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर उदेशिका प्रभुदानी खेलेंगी, उसके लिए चाहे टीम तो अमा कंचना को भी मौका दे सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से प्लेइंग इलेवन हो सकती है। यहाँ पर आपको बदलू सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो होने वाले हैं उसमें चमारी अट्टापट्टू है, शशिकला श्रीवर्धन है, ये दो प्लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ग्रैंड लीग की हर टीम में या फिर आप स्मॉल लीग की हर टीम में इनको रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर श्रीपल्ली वीरा कोहली इनका रणवीरा दोनों ही बॉलिंग में बहुत अच्छा करती हैं और यहाँ पर इनकी जो सेकंड ऑलराउंडर मैं बोलूंगा मेन ऑलराउंडर तो यहाँ पर चमारी अट्टापट्टू और शशिकला श्रीवर्धन है, उसके बाद जो अच्छी ऑलराउंडर उसका नीलाक्षी डी सिल्वा है और इनकी जो ओपनर है निपुणी हंसिका और हसीना परेरा, तो ये दोनों ही बहुत अच्छी बैट्समैन है। तो सबसे बेटर तो आपके लिए ये रहेगा कि आप चमारी अट्टापट्टू शशिकला श्रीवर्धन को ले, उसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर निपुणी हंसिका हसीना परेरा को ले सकते हैं और इनकी बॉलिंग में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है वो वीरा कोहली और इनका रणवीरा में है जो यहाँ पर विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। तो इतने ही 6 प्लेयर जो मैंने आपको बताया उन्हीं में से आप पिक करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, बाकी आप चाहे तो इनमें से भी ले सकते हैं। बाकी पहला मैच है तो आप जो इंपॉर्टेंट प्लेयर उन्हीं को टीम में रखिएगा। तो ये तो बात हो गई दोनों ही टीमों की स्क्वाड की और प्लेइंग 11 की, और अब बात करेंगे हम ड्रीम 11 की टीम की, देखते हैं आप लोग क्या बेस्ट टीम हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपके लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों की टीम बनाई हुई है। स्मॉल लीग थोड़ी सी सेफ टीम बनाई हुई है बिकॉज हमें ऐसे प्लेयर स्मॉल लीग में लेने होते हैं जिनकी श्योरिटी खेलने की 100% हो और जिनके पास बैटिंग बॉलिंग दोनों का चांस मिलता हो। तो टीम वन मेरी उसी टाइप से बनाई हुई है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप देख सकते हैं, जो ऐसे प्लेयर मैंने यहाँ पर लिए जो 8 से 10 ओवर तक बॉलिंग भी कराएंगे और बैटिंग में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। तो टीम वन मेरी स्मॉल लीग के लिए रहेगी, हर कंडीशन में सेफ रहेगी। टीम टू की बात करें थोड़ी सी रिस्की टीम है बिकॉज आपको पता है बैट्समैन है, बैट्समैन जल्दी भी आउट हो जाते हैं। हालांकि ये ऐसे बैट्समैन है जो टीम का टोटल 250-300 तक भी जा सकते हैं, यानी कि 100 प्लस स्कोर भी बना सकते हैं। ओडीआई में यहां पर 50 या 100 लगाना इनके लिए आम सी बात है। तो ग्रैंड लीग के लिए मैं इन प्लस पे थोड़ा सा भरोसा जता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको टीम वन का प्रीव्यू दिखा दूं, तो ये मेरी टीम वन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाईली सेफ टीम है स्मॉल लीग के लिए खास करके। और टीम टू की हम बात करते हैं तो टीम टू भी बिल्कुल सेम है, बस कैप्टन वाइस कैप्टन का फर्क है और मैंने ऐसे प्लेयर्स को यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है जो 50-100 रन आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं और आपको ग्रैंड लीग विन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पॉज करिए वीडियो को और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी आपको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की दे दूंगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रीव्यू देखते हैं टीम वन का और यहाँ पर एडिट करके देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ पर गाइस हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है
उसमें यहाँ पर तानिया भाटिया जो कि एकमात्र विकेट कीपर है इंडियन टीम से, और यहाँ पर श्रीलंकन टीम से दो विकेट कीपर है डिलानी मंडोदरा और पसदनी वीरा कोहली। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस बेस पे देखें तो डिलानी मंडोदरा के ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, हालांकि वीरा कोहली भी ठीक ठाक है, अच्छी विकेट कीपर है, टीम इनको भी मौका दे सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की तो होगा, 60% चांस है कि डिलानी मंडोदरा खेलेंगे, 40% चांस यहाँ पर वीरा कोहली खेलेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सेफ जा रहा हूँ, कम क्रेडिट में यहाँ पर प्लेयर भी मुझे मिल रही है तो तानिया भाटिया को ले रहा हूँ, हालांकि बैटिंग के शायद आपको पॉइंट ना दिला पाए, बाकी विकेट कीपिंग वगैरह की या फिर कैचेस के आपको पॉइंट दिला देंगे, हाईली सेफ, इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। बैटिंग में बात करें तो बैटिंग में मिथाली राज को ले रहा हूँ, स्मृति मंदाना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी टीम के लिए। हरमनप्रीत कौर यहाँ पर मेरी छूट रही, बिकॉज क्रेडिट बहुत ज्यादा हाई थी और मुझे यहाँ पर चमारिया टपट्टू और यहाँ पर इनके मेन ऑलराउंडर्स भी लेने थे श्रीलंका के, तो यहाँ पर श्रीलंका के दो बैट्समैन मैंने लिए हैं, निपुणी हंसिका और हसीनी परेरा। और इसके बाद यहाँ पर बात करते ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पर चमारिया टपट्टू और शशिकला श्रीवर्धन, इन दोनों को लेना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज 8 से 10 ओवर तक कराती है, विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं टीम के लिए और बैटिंग में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है और 50-60 रन आराम से मार सकती हैं। अगर टीम को विन कराना है तो यहाँ पर इन दोनों को बड़ा इसको लगाना पड़ेगा, हालांकि इंडियन टीम के सामने शायद उतना अच्छा ना खेल पाए, बट और प्लेयर्स के कंपैरिजन में ये इंपॉर्टेंट है। तो दोनों प्लेयर्स को मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है और दीप्ति शर्मा को मैंने लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर नीलाक्षी डी सिल्वा को ले सकते हैं, ऐसे में आपको थोड़ी क्रेडिट मेंटेन हो जाएंगी, बट डी सिल्वा उतनी अच्छी शायद ऑलराउंडर साबित ना हो पाए, ग्रैंड लीग में आप इनको कंसीडर कर सकते हैं, बाकी स्मॉल लीग में मैं हाईली सेफ टीम के साथ जा रहा हूँ। तो बैटिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर और ऑप्शन आपको दे दूँ, यहाँ पर आप पूनम राज के साथ जा सकते हैं, हालांकि जमाइमा रोड्रिगेज भी अच्छी ऑप्शन है, बाकी मेरे से टीम पूनम राज को पहले मौका देगी। हरमनप्रीत कौर तो खेलेंगी 100% गारंटेड है, आप इसको ले सकते हैं, बाकी यहाँ पर क्रेडिट इनकी हाई है। निपुणी हंसिका को लिया है, हसीनी परेरा को लिया है, यहाँ से अगर आप गारंटी खेलते तो जमीमा रोड्रिगेज के साथ भी जा सकते हैं, इनके चांसेस थोड़े से कम है खेलने के। यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दे ही चुका हूँ ऑप्शंस, यहाँ पर नीलाक्षी डी सिल्वा अच्छी ऑप्शन है, शिखा पांडे थोड़े से रिस्की मुझे लग रही है पहले मैच में, और यहाँ पर गायकवाड़ भी अच्छी ऑप्शन है, इसलिए हो सकता है कि इनको बैठा लीजिए, हालांकि आप चाहें तो ले सकते हैं, शिखा पांडे के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, बाकी दीप्ति शर्मा तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है इंडियन टीम से। बॉलिंग में बात करते तो बॉलिंग में पूनम यादव को लिया है, एकता बिष्ट को लिया है, यहाँ से मैं झूलन गोस्वामी को भी लेना चाहता था, बट आप देख सकते हैं मैंने 7 प्लेयर ऑलरेडी इंडिया के ले चुका हूँ, तो यहाँ पर मुझे किसी एक प्लेयर को छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर झूलन गोस्वामी को मैंने छोड़ा है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूनम यादव है, एकता बिष्ट है, उसके बाद इनका रणवीर है, बट क्रेडिट मेरे पास नहीं है और क्रेडिट यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत मारामारी क्रेडिट की यहाँ पर है, और जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे कुछ बड़े प्लेयर जैसे कि हरमनप्रीत कौर छूट रहे हैं, इनोका रणवीरा छूट रही हैं, तो ये प्लेयर्स तो हमारे कुछ ना कुछ छूटेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 क्रेडिट में मुझे बस यही मिली, सुगंधिका कुमारी जिनके चांसेस भी ज्यादा है खेलने के, तो इनको यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है, और बाकी मानसी जोशी की बात करें चांसेस थोड़े से कम है बिकॉज इंजरी के बाद लौटी है, और कविशा दिलहारी के भी चांसेस थोड़े से कम है, बाकी सुगंधिका कुमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेंगी टीम के लिए, तो मेरे हिसाब से 8 क्रेडिट में जस्टिफाइंग भी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करते देखते अपने बेस्ट कैप्टनाइजर कौन होगा, तो कैप्टन मैं दीप्ति शर्मा को बना जो 8 से 10 ओवर तक बॉलिंग करा लेती हूँ, और सेकंड राउंड थर्ड राउंड बैटिंग करने भी आ जाएंगी, तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहने वाली है। चमारेट्टा पट्टू जो कि फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे, वो 8 से 10 ओवर बॉलिंग कराएंगे, तो ये भी वाइस कैप्टन अच्छी है। अगर आप चाहें तो शशिकला श्रीवर्धन के साथ भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर थर्ड या फोर्थ राउंड बैटिंग करने आएंगी, और अच्छी खासी बैटिंग स्किल्स है इनके पास, यहाँ पर बॉलिंग भी 8 से 10 ओवर तक कराती है, विकेट कीपिंग बॉलर है, तो आप इनको भी टीम में कंसीडर कर सकते हो। हाईली सेफ ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी इसमें से बेस्ट ऑप्शन दीप्ति शर्मा का होगा और सेकंड बेस्ट यहाँ पर चमारेट्टा पट्टू होंगी। यहाँ पर अगर आप बैट्समैन पर भरोसा जता सकते हैं तो यहाँ पर स्मृति मंदाना से जा सकते हैं, हर मैच में लगभग इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, 30-40 रन तो नॉर्मल बनाती है, और यहाँ पर 50-60 या 100 रन के आसपास ओडीआई मैचेस में आमतौर पर लगा लेती है, तो यहाँ पर ग्रैंड लीग में इनकी स्पेशल ऑप्शन होगी। और मिथाली राज जो कि सेम टू सेम ऐसा कर सकती है, हालांकि यहाँ पर स्मृति मंदाना थोड़े से बेटर फॉर्म में है। तो यही कुछ ऑप्शंस आपको दूंगा, बाकी बोलर्स को ज्यादा स्कोप नहीं है, बोलर्स में अगर आपको ट्राई करनी है तो पूनम यादव को ट्राई कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बॉलर है और हर मैच में 2 से 3 विकेट के आसपास निकाल लेती हैं, और अगर इनकी बैटिंग आ जाती है तो उसमें भी अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट कर लेती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी ग्रैंड लीग के लिए। तो गाइस यहाँ पर सेव करते हैं टीम को, एक बार आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो गाइस ये मेरी दोनों ही टीमें हैं, इसके अलावा अगर आपको टीम बनानी है तो एक पूनम यादव को लेके आप टीम बना लेना, बिकॉज अगर पहले बैटिंग करती श्रीलंकन टीम तो यहाँ पर हो सकता है उनको ज्यादा विकेट मिल जाए, तो ऐसे में आप पूनम यादव एकता बिष्ट के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हैं, ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हैं, बिकॉज ऐसे मुझे ज्यादा लग रहा है कि इंडियन टीम यहाँ पर 10 के 10 विकेट आराम से गिरा देगी श्रीलंका के, और ऐसे में यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा रहेगा पूनम यादव एकता बिष्ट को, तो ग्रैंड लीग की स्पेशल ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर मिथाली राज और स्मृति मंदाना भी ग्रैंड लीग की स्पेशल ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं आपको एक टीम ही बना के दे रहा हूँ, तो एक सेकंड मैं यहाँ पर आपको टीम ही बना के दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर मैं क्लोन बना रहा हूँ टीम का, तो कैप्टन पूनम यादव, वाइस कैप्टन एकता बिष्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीम वन मेरी स्मॉल लीग के लिए, टीम टू यहाँ पर बनाई है मैंने ग्रैंड लीग के लिए, और टीम थ्री भी ग्रैंड लीग के लिए। तो यहाँ पर दोनों बॉलर्स इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं इंडिया के, और दोनों जो ओपनर्स हैं उनको भी मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है कि फर्स्ट राउंड जो बैटिंग करने आती है मिथाली राज और ओपन जो करती है स्मृति मंदाना, तो ये दो टीमें टीम टू और टीम टू आप टीम थ्री आपके लिए बेस्ट रहने वाली ग्रैंड लीग के लिए। थोड़ी सी वेरिएशन करिएगा आप ग्रैंड लीग के बहुत पास पहुंच सकते हैं, और टीम वन यहाँ पर हाईली सेफ टीम है तो स्मॉल लीग के लिए। तो गाइस अब वीडियो करेंगे खत्म, टाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा हो चुका है, अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लाइक करते हैं तो मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और भी ज्यादा मेहनत करता हूँ, और आपको अपडेट मिल जाएंगे टेलीग्राम के चैनल इंस्टाग्राम के चैनल पर, अगर कोई अपडेट होता है टीम में या फिर कोई कंफर्म न्यूज आती है तो वो सब आपको वहां पर शेयर कर दिए जाएंगे। तो गाइस साल कितने, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को ध्यान सब्सक्राइब कर दें, उस वीडियो को आगे शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके गाइस बाय।